मस्त खाएंगे। अरे वाह। सबका स्वागत है। आज आ जाइए। और आज हम बनाने वाले हैं मुट्ठियां। हाँ, जो मेरे सास बनाते थे, बनाते हैं अभी तक भी माशाल्लाह। तो उनकी रेसिपी है ये, तो मैं आज वो बनाने वाली हूँ बकराईद स्पेशल मुट्ठियां। हर बकराईद में हमारे यहाँ जरूर बनती है। ओके। हाँ, और अम्मी से ही मैंने सीखी हूँ। पहले तो वो सील पत्ते पे ठेस के बनाते थे मुट्ठी, अभी तो हम मिक्सर में घुमा के बनाएंगे। हाँ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मुट्ठी बनाना। और आपको भी बताते हैं, ये जैसा मुट्ठी बना ना, ये कबाब टाइप ही। हाँ, इसको कबाब पाव के साथ भी खा सकते हैं ना। खा सकते हैं। हाँ, तो बताती हूँ आपको। चलिए चलिए। तो मैंने यहाँ गोश्त ले ली हूँ, ये आधा किलो से ज्यादा ही होगा, अभी माप के तो नहीं ली मैंने, है ना। हाँ, क्योंकि बकरा ईद है भाई। हाँ, बकरा ईद का गोश्त है भाई। तो ये मैंने ले लिया और धो के रख दी हूँ नितरने के लिए पानी। और अभी इसमें मैं डालने वाली हूँ अदरक लहसुन 2 चम्मच, छोटा चम्मच है ये। हाँ, और 1 नींबू का रस ले ली हूँ, और हरा पुदीना ले ली हूँ, और हरी मिर्ची ले ली हूँ। मम्मी, हरा धनिया, नॉट पुदीना। ओह नो, सॉरी, देख लिया आपने, मेरी सेक्रेटरी आ चुकी है। हाँ, तो ये हरा धनिया है ना। ओके। हाँ, तो मेरा दिमाग ऐसी कभी कभी भूल जाती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, माय गॉड। ओके गाइस, तो ये मैंने हरा धनिया ले ली हूँ, और हरी मिर्ची ले ली हूँ 10 से 12। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम ज्यादा जितनी आप चाहिए उतनी। हाँ, अगर तेज ज्यादा खा रहेंगे तीखा तो ज्यादा ले सकती है, कम तो कम ले कम ले सकते। और इसमें मैं डालने वाली हूँ मसाले, नमक जाएगा इसमें स्वाद अनुसार, और हल्दी थोड़ी सी 1/4 चम्मच ले ली हूँ, 1/2 चम्मच मैंने ले ली हूँ गरम मसाला, और ये रेशम पट्टी है लाल मिर्ची, ये भी 1/2 चम्मच है, और 1/2 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर भी ले ली हूँ, और चिली फ्लेक्स ले ली हूँ 1 चम्मच। ठीक है, तो अभी मैं ये सब इसमें डालने वाली हूँ और इसको पीसने वाली हूँ। और ये प्याज भी है, बिरिस्ते के जैसे प्याज कट कर ली। हाँ, ये मैं आपको बताऊंगी, पतली पतली बिरिस्ते की जैसी करना, इसे मैं लाल करने के लिए रख दूंगी। और अब ये पीसती हूँ, पहले आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इसमें मिक्सर में ये डाल देती हूँ मिर्ची और धनिया। ओके, और इसको थोड़ा घुमा देती हूँ, बारीक हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी मटर। तो ये मैंने मिर्ची और कोथमीर को थोड़ा सा बारीक कर लियो। अभी इसमें मैं डालूंगी गोश्त। कभी ये जो मिर्ची और कोथमीर थोड़ी बारीक हो गए, नहीं तो गोश्त के साथ पीसो ना, कभी कभी मिर्ची आखी भी रह जाती है। ठीक है, इसलिए नहीं डाली, पहले ही पीको मारी। अभी इसमें जाएंगे ये चिली फ्लेक्स, धनिया, और क्या क्या है इधर, हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची की बुक्की, मिर्ची की पाउडर, रेशम पट्टी। ओके, और ये सब इसमें डाल देते हैं। नींबू, नींबू का जूस भी डाल देंगे, एक नींबू का। हाँ, एक नींबू का है। और अदरक लहसुन 2 चम्मच, ये जैसा एक, और ये गया 2, है ना। हाँ, और नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। मैं पीस ले, मिक्सर है तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं आप। हाँ, जिसके पास ये नहीं है वो मिक्सर में। हाँ, कर लो, मिक्सर के जार में भी पीस सकते हैं, अगर सील बढ़ता है तो सील पे भी पीस सकते हैं। ठीक है, तभी मैं ये पीस लूँ।
फरमाइश पे शैनिला के ससुर जी के फरमाइश पे बन रही है, बोले अभी तक बनाई नहीं, बनाएंगे, डैडी को याद आ रही है। हाँ। तो बोले शाम में बनाना, तो मैं बोली चलो आपसे भी शेयर कर लेते हैं, ये और बारीक करूंगी और आपको बताती हूँ बारीक करने के बाद। ओके, तो ये मैंने सब पूरा गोश्त पीस ली हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब मैं इसकी बनाने वाली हूँ मुट्ठी। मुट्ठी लेंगे, थोड़ा गोश्त लेंगे हाथ में और इसको दबा दबा के इस तरीके से मुट्ठियाँ बनाएंगे। ये बन गई हमारी मुट्ठी और मुट्ठी को ऐसे रखते जाए, ठीक है। सारी मुट्ठियाँ बनाती हूँ इसी तरीके से और आपको बताती हूँ, देखिए इसलिए इसको मुट्ठी बोलते है ना। हाँ। ये ऐसी सब मुट्ठी बना लेंगे और ऐसी रखते, सारी मुट्ठियाँ हो जाएंगी बनाने की तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, आगे क्या करना है। तो ये मुट्ठियाँ बन के हो गई है रेडी, देखिए इस पे निशानी जैसा मुट्ठी बना है ना। हाँ। तो अभी ये दो चम्मच से मैंने दो चम्मच इसमें तेल डाल दी हूँ। ओके, तेल डाल दी हूँ, बहुत ज्यादा भी तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारा कुर्बानी का गोश्त है तो थोड़ा चिकना रहता है ना। कोई तो आ गया है, जाओ शैनिला। हाँ। तुमको ये पाव के साथ खाना है तो पाव ले लो, पाव वाला है ऐसा। हाँ, जरूर। चलो आते हो चुका है गरम, अभी मैं इसमें डालूंगी प्याज। चार प्याज की है, ज्यादा प्याज ये ना अच्छी लग। अभी बोलेंगे कबाब में ये प्याज ऐसी क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। हाँ। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देंगे जब तक तलेंगे। ये प्याज की जो मतलब मसाला रहता ना तो उस कबाब के साथ बहुत ही अच्छा लगता, ये मुट्ठियों के साथ। प्याज अच्छे से लाल होने देती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी हमारी शैनिला ने पाव ले ली है गर्मा गर्म। हाँ। नरम पाव। तो ये पाव को पाव के साथ खाने का। हाँ, पाव सॉस। हाँ। हरी चटनी सब मिक्स करके। हाँ, हरी चटनी भी बनाएंगे। हाँ। तो ठीक है, ये प्याज लाल होने दो फिर जब तक के लिए बाय बाय। तो ये गुलाबी हो गई है प्याज, देख सकते हैं आप ऐसे। हाँ, इससे ज्यादा गुलाबी नहीं करना नहीं तो बिरिस्ता बन जाएगी। हाँ। क्योंकि ये होते होते बिरिस्ते के टाइप पे हो ही जाएगी। तब ये मैं सब प्याज को ना कम कर दूंगी गैस और पूरी ऐसी फैला दूंगी। और तपेली आप ऐसी लेना उत्तल, मतलब उत्तल नहीं है क्या बोलेंगे इसको, चपटी। हाँ, तो इसमें सारे कबाब ऐसे बैठने चाहिए। ओके, चौड़ी फैली हुई। हाँ, तो ये प्याज को मैं पूरा सा फैला दूंगी, दिखाओ इधर, ऐसी पूरी फैला दूंगी, ठीक है। और अभी मैं इस पे सब कबाब इस पे डालते जाऊंगी। मुट्ठियाँ 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 इसको सब इस तरह बिछाऊंगी प्याज के ऊपर। ये हमारी सब मुट्ठियां हम इसको बिछा देते हैं इसी तरह से, सब बिछाएंगे जगह कर करके। फिर इसको ढकने वाले क्या? हाँ, ढकेंगे ना क्योंकि ये गोश्त हमारा अभी कच्चा है ना। हाँ। अभी इसमें पानी छूटेगा सब गोश्त। अच्छा। जगह कर करके इसे बिछा लेंगे, पूरा बिछा देंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बिछाने के बाद। अभी मैंने देखिए इसको सब अच्छे से मिला नहीं दी हूँ, बिछा दी हूँ प्याज के ऊपर, अच्छे से बिछा दी हूँ। ओके, ना हल्के हाथ से, अभी इसको कुछ हिलाना नहीं, कुछ नहीं। अभी इसको मैं ढक कर रख दूंगी और दम पे रख दूंगी कम आंच पर, ठीक है। कम पे मैंने रख दी हूँ, गैस भी एकदम स्लो कर दी हूँ। ओके, अभी इसमें ये मुट्ठियों में से पानी छूटेगा और वो पानी से ही ये गल जाएंगे। तो अभी जब तक शैनिला ने तैयारी कर ली है तो ये आपको बताती है क्या बना रही है। हाँ, हरी चटनी बना रही हूँ मैं, इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया और लहसुन
और ये जाएगी इमली को वॉश करके रख दी थी मैंने, तो ये इतनी इमली मैं इसमें डाल दूंगी। वापस से बताओ ना बेटा क्या क्या इसमें। ओफो ये है इमली, ये है लहसुन और मिर्ची, हरा धनिया। अब ये पानी पूरा नितारने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूंगी नमक डाल के, और फिर आपको बताती हूँ। स्वाद अनुसार देख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्त लग रहे हैं। कहाँ जाके आई हो? ये तो मैं मम्मी ही बताओ, आप ही बता दो। हाँ, शैनिला के फूफू के बेटे की मंगनी थी तो हम कल वहीं गए थे। मेरे भाई की एंगेजमेंट थी माशाल्लाह, तो उसकी खुशी में मैंने अपने हाथों को सजाई हुई क्योंकि उन्हें मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। हाँ। तो मैं मौके छोड़ती नहीं तो चलो फिर ये चटनी बनाते हैं, चटनी पीसने के बाद। हाँ तो गाइस देखिए चटनी हो गई है तैयार कुछ इस तरीके से। आपको चाहिए तो आप पानी डाल के और इसको पतली कर सकते हो। मैंने नमक डाली और इसे इस तरीके से पीस ली। ठीक है तो फिर चलो, अभी यहाँ पर भी रेडी हो ही रहा है हमारा मुठिया। जैसे ही रेडी हो जाता है इसके बाद आपको बताते हैं। तो देखते हैं, 5-10 मिनट हो गए थे चाहिए। हाँ तो अभी देखते हैं हमारी मुठियों का हाल क्या है। तो इसमें सब पानी छूटा है ना, तो इसे देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा थोड़े जो चिपक गए रहेंगे, देखो चिपके ना, इसको थोड़ा सा होने देंगे अभी और। हाँ और रखते हैं दम पर ही, क्योंकि गोश्त हमारा गलेगा अच्छे से ना। रखते रखकर और फिर आपको बताते हैं कब खोले हम इसका ढक्कन। फिर इसको अभी जब खोलूंगी ना तो इसको पलटी मार दूंगी, मतलब अंदर ही पलट दूंगी। हाँ दूसरी साइड से भी होने के लिए। वैसे तो पूरे ही हो जाएंगे वो, मगर पलटी करके और अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें कितना पानी छूटा था और अभी देखो कम हो गया, थोड़ा है फिर भी इसको पूरा सुखाएंगे। अभी इसको मैं सबको पलट दूंगी, इसको पलटी पलटा देंगे। ये वाले प्रोसेस होने थोड़ा सी टाइम लगता है ना मम्मी? हाँ थोड़ा पानी सूखने के लिए टाइम लगता है ना, पानी छूटता ना सब। मगर ये गल जाते हैं ना अच्छे। हाँ 15-20 मिनट लग गए इसको पानी सूखने के लिए, है ना। फिर भी है अभी इसमें पानी, मतलब अभी ये पलटी करेंगे तो वो भी सूख जाएंगे। सूख जाएगा। कोशिश करें कि प्याज ना आए पलटने में, है ना, ऊपर ऊपर से कबाब भी पलटो ऐसे। हाँ हाँ तो ये पलटने के बाद इसको भी ढककर रखेंगे ना स्लो पे। हाँ ढक के रख देने का। तो चलिए गाइस फिर ये होते हैं पलट के। पलट लेती हूँ। हाँ अभी मैंने ये सब पलट ली हूँ और इसमें ज़रा सी कसर बाकी है अभी, तो ये भी हो जाएगी और प्याज नीचे की लाल लाल होना शुरू हो जाएंगी ना जब हम इसे बंद करेंगे। ठीक है तो अभी मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम की हूँ गैस, और अभी मैं इसको वापस से ढक कर रख दूंगी। तो चलिए देखते हैं पानी सूखा ना पूरा। हाँ सूख गया। हाँ अब इसको अच्छे से हम नीचे से पूरा प्याज लेके ये जो प्याज लाल लाल ऑयली रहती ना ये बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, प्याज का टेस्ट अच्छा आता। लाल लाल होती ना प्याज। तो ये हो गए हमारी मुठिया बन के रेडी। और देखिए ज्यादा तेल भी नहीं डाली मैंने, तो ज्यादा तेल भी वो नहीं हुआ, है ना। हाँ अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ प्याज में पूरा। ये है अभी हमारे खाने के लिए तैयार मुठिया। मुठिया मस्त बनकर रेडी है ना। हाँ तो आप भी ऐसी बनाइए और खाइए, बकरा ईद का गोश्त रखेगा खा लेना। हाँ है ना। और नहीं भी तो बाद में भी बना के कभी खा सकते हैं। तो चलिए फिर डिश आउट करके आपको बताते हैं।
पाव पाव में डालेंगे चटनी, बताते हैं आपको, है ना। हाँ, इस पर खोलेंगे। सॉस चाहिए तो आप सॉस भी लगा सकते हैं, है ना। हाँ, प्याज चाहिए तो प्याज भी लगा सकते हैं। मस्त लगाएंगे चटनी, और इसमें रखेंगे हमारी मुट्ठियाँ। मस्त, और इसे करेंगे पैक और खाएंगे। मस्त खाएंगे। अरे वाह, माशाल्लाह। और ये मैं भी खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनी है गाइस। तभी यही हमको भूख लगी है, हम दोनों को भूख लगी है। डिनर का भी टाइम हो गया है, और बहुत ही अच्छी बनी। तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइएगा, और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, और हमारे ब्लॉग देखते रहिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, हाँ, सास बहू की जिंदगी के नाम से। तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, वो पेज भी हमारा प्लीज शेयर कीजिए। ओके, तो फिर आएंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।